बड़ी खबर यह है कि गोड्डा के जालो नदी के पास अपराध की योजना बनाते चार क्रिमिनल गिरफ्तार। जाने आरोपियों का बिहार कनेक्शन, मावेशी व्यापारियों से लूटपाट की योजना बनाते चार क्रिमिनल्स को गोड्डा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी गोड्डा के दलदली गांव के अलावा बिहार के बेगूसराय और कटिहार के हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, एक कार, मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को गिरफ्तार ने जेल भेज दिया। इस बात की जानकारी एसपी रमेश ने पत्रकारों को दी। एसपी श्री रमेश ने बताया कि 5 अगस्त को सभी आरोपी अपराध की मंशा से जुटे थे। सभी क्रिमिनल बांका तथा भागलपुर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके। इस बार सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने की मंशा थी। बताया कि मावेशी अपराधियों से लूटपाट की योजना को लेकर सभी सुंदर पहाड़ी के जालो नदी के पास जुटे थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा रांची के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती, इलाज के लिए नहीं है पैसे। एक तरफ पूरा देश जहां ओलंपिक में होली का ब्रांज मेडल मिलने पर जश्न में डूबा, वहीं झारखंड के हॉकी का एक सितारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा रांची के गुरु नानक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वर्तमान भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जबकि बीमार गोपाल भेंगरा की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हॉकी प्लेयर्स गोपाल भेंगरा रांची के गुरु नानक हॉस्पिटल में विगत 3 दिनों से भर्ते। उनका बेटा अर्जुन भेंगरा ने बताया कि घर में जो पैसे थे वो इलाज में खर्च हो गए, अब बाबा के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अर्जुन स्वयं बेरोजगार है, खेती बाड़ी से ही परिवार का खर्च चलाता है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रफ्तार के शौक ने दो युवाओं की ली जान। जमशेदपुर में बिना हेलमेट के बाइक चला रहे युवक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे ईंट से टकराए। डॉक्टर ने कहा सिर में चोट के कारण हुई मौत। जमशेदपुर के चाकुलिया में सुबह सुबह तेज रफ्तार ने दो युवाओं की जान ले ली है। दोनों में किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। घटना चाकुलिया सीसा खूब मुखी सड़क की है। यहाँ के नामोफाड़ा पेट्रोल के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार दो युवकों की मौत के पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग दोनों को अनान फनान में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रंजित उरा सीएसी पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। झारखंड के 14 जिलों में आज बारिश के साथ वज्रपात के हैं आसार। 4 जिलों में हल्की बारिश की है संभावना। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मंगलवार को इसका असर राज्य के 14 जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, खुट्टी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में कहीं हल्के से मध्य दर्ज की बारिश दर्ज की जा सकती है। गिरिडीह में छात्र ने की खुदकुशी, डॉक्टर की बेटी का शव घर में पंखे से लटकता मिला। सुसाइड नोट में नीट परीक्षा में फेल होना बताया वजह। सरिया FCI रोड स्थित डेटिस्ट फियाजुल हक की बेटी फौजी हक का शव गुरुवार को घर में पंखे के फंदे से लटकता मिला। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिली, जिसमें फौजी ने अपने सुसाइड करने की वजह नीट परीक्षा में फेल होना लिखा। इधर सूचना पाकर सरिया पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। फौजी हक का शव गुरुवार को उसके कमरे में पीले रंग की साड़ी में पंखे से लटकता हुआ दिखा गया। मौके से बरामद सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मैं फौजी हक 2 बार नीट की परीक्षा दे चुकी हूँ, 3री बार भी देना था, पर अब पढ़ने में दिल नहीं लगता और दिल करता कि सुसाइड कर ले। इसके लिए मेरे घर में
कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है। मेरे पेरेंट्स हम पर बहुत खर्च कर लिए, अब उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब हम उनको और कष्ट नहीं देना चाहते हैं। सीबीआई ने जज उत्तम आनंद की मौत की जांच का जिम्मा संभाला। झारखंड हाई कोर्ट निर्देश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या की जांच का जिम्मा संभाला। जज की 28 जुलाई को उस समय एक ऑटो की टक्कर से मौत हो गई थी जब वह मॉर्निंग वॉक से घर लौट रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें केंद्र के जरिए झारखंड सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ। पिछले शनिवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जज की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने का निर्णय लिया था। सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ कि जज रणधीर वर्मा चौक के पास काफी चौड़ी सड़क के एक किनारे पर जॉगिंग कर रहे थे, उसी समय पीछे से एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। झारखंड के हजारीबाग से मैट्रिक पास करने वाली आदिम जनजाति बिरहोर की पहली लड़की है पायल, मिले इतने अंक। झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमसानी प्रखंड में आदिम जनजाति बिरहोर परिवार की बिटिया पायल कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। पायल बिरहोर परिवार की पहली लड़की है जिसने 10वीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की। आपको बता दें कि पिछले दिनों जैक पॉड द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया था। हजारीबाग जिले के कटकमसानी प्रखंड के कंडसार बिरहोर टांडन के अग्नू बिरहोर की पुत्री पायल कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर प्रखंड का नाम रोशन किया। पायल कुमारी कटकम सांडी और कटकम दांग प्रखंड के चार बिरहोर टांड में पहली ऐसी लड़की है जिसने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। झारखंड के हजारीबाग जिले के परियोजना उच्च विद्यालय कंडसार से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली पायल कुमारी द्वितीय श्रेणी से पास हुई है। माता सुंदरी देवी ने बताई कि परियोजना उच्च विद्यालय कंडसार के प्रधानाचार्य उपेंद्र नारायण सिंह की प्रेरणा से शिक्षा ग्रहण कर रही थी। पायल कुमारी 231 अंक प्राप्त कर स्कूल स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की है। संताल और कोल्हान में फैला ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार, नशे की जद में आ रहे हैं युवा। संताल के देवघर और कोल्हान की चायबासा और आदिपुरी क्षेत्र में ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार धड़ेली से हो रहा, इसकी जद में बेखूबी युवा आ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चायबासा में 90 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं देवघर में ब्राउन शुगर जैसी नशीली चीजों में सबसे अधिक खपत है। जानकारी के अनुसार माने तो देवघर में हर महीने करीब 10 लाख के ब्राउन शुगर की बिक्री होती है। शहर के ब्रह्मसिया सिंघवा नंदन पहाड़ इलाका गिधनी देवघर स्टेशन के आसपास बांधा हनुमान टिकरी करनी बाग समेत अन्य इलाकों में अवैध तरीके से ब्राउन शुगर की बिक्री होती है। तरह तरह के ड्रग्स की खेप धड़ेले से गांव गांव गली मोहल्ले गुमटियों में अवैध विक्रेताओं तक पहुंची है। इसके बाद से ये आसानी से युवाओं के लिए उपलब्ध हो जाता है। दूसरी ओर सरकारी तंत्र के कानों कान खबर नहीं लगती है।